हेलो भाई, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जो एम्पलीफायर देख रहे हैं ये मेगा का है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसेट प्लेयर में मैंने यूएसबी प्लेयर को सेट किया है, क्योंकि कैसेट प्लेयर तो अब चलता नहीं है इस कारण। और इसमें देख सकते हैं, देखिए कितने सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे वैल्यूम हैं। और इसके अंदर चलते हैं, आपको इसके अंदर में दिखाते हैं। ये ऊपरी भाग है, ठीक है। ये ऊपरी भाग में आपको जो सब सामान दिखाई पड़ रहा है, मैं सिर्फ कंपेरिजन कर रहा हूँ। इससे पहले एक नियो एम्पलीफायर का वीडियो था, वो आपने देखा नहीं होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये वही एडी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 2N3055, आप देख पा रहे होंगे शायद। तो इसमें जो पार्ट्स लगा हुआ है, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसमें से आप जाके वीडियो को देखिए। और उस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है न्यू एम्पलीफायर 100 वाट का, और ये भी 100 वाट का है, दोनों में कहें तो आसमान ज़मीन का फ़र्क हो जा रहा है। और मैं सिर्फ कंपेरिजन कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो आप इसे, अब मैं पलटा दे रहा हूँ, इस बगल का पार्ट्स आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें कितना बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया गया है, सो आप देखिए। और एक रेजिस्टेंस के बदले में देखिए कितने वाट का बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस लगाया गया है, ये भी 100 वाट का है, ये सिर्फ 100 वाट का है। और वो जो वीडियो था उसके सर्किट में 400 वाट लिखा गया था। तो ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये स्टेप डाउन है, ये 220 वोल्ट से है, और ये 24 वोल्ट 12012, और देख रहे हैं 12012 है ये ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ पे 6-6 एम्पियर का देखिए आप लोग कितना डायोड लगाया गया है। और उसके बाद फिर लाइन को रेक्टिफायर करके यहाँ पे कैपेसिटर देखिए कैसा कैसा लगाया गया है, कहें तो बहुत ही मजबूत है यार, इसका वो चौथाई का एक आधा भाग भी नहीं होगा न्यू वाले एम्पलीफायर में। और ये सर्किट है इसका, इधर से भी आप लोग देख सकते हैं एक बार पूरा ठीक से देखिए, और वो वीडियोस भी देखिए आप लोग, मिलाइए कंपेरिजन कीजिए कैसा है। वीडियोस को आप लोग पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये तो मैंने पहले ही बता चुका है, स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर है। और ये जो है, ये एम्पलीफाइंग करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया है, आवाज़ को बढ़ाने के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है अभी के ज़माने में भी। ये ओल्ड मॉडल है ये मैं मानता हूँ, लेकिन अभी के ज़माने में भी मुझे नहीं लगता इसका कोई बराबरी कर पाएगा कोई कंपनी। अब न्यू वाले में तो ऐसा नहीं है। मेरे पास दो एम्पलीफायर था, मैंने आपको कंपेरिजन करके दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो आपको एक हमारा काम करना होगा, आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके। धन्यवाद।